मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं बिग बॉस करूँगा, बट एक दो साल में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है ज़िंदगी में एंड बहुत कुछ देखा है. सो अब मेरे लिए ये हो गया है कि वो कहावत है ना कि ज़िंदगी सिर्फ 4 दिन की है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब से ये टाइम चल रहा है बुरा सबका, हम सब 4th दिन में जी रहे हैं. 4 दिन की ज़िंदगी में 4th दिन एंड इन दिस लास्ट 1.5-2 months आई हैव सीन मेनी ऑफ माई क्लोज फैमिली रिलेटिव्स फ्रेंड्स गोइंग लीविंग अस. सो आई थॉट यू नो आई इफ समथिंग लाइक दिस इज रिटन यू नो इन माई फेथ यू नो मेरे नसीब में लिखा है, तो एटलीस्ट यू नो आई शुड मेक दैट मच amount that you know at least my family should be happy after in case if something goes wrong. Of course it was a very difficult decision and I still can't believe that I'm going to Big Boss. I never thought I'm going to cry. I think you know the last I cried was maybe when I was 15 or 14, and after that you know I'm 36 now, and at the age of 36 अगर मैं किसी और को देखता था ऐसे रोते हुए तो मैं बड़ा हंसता था कि इतना बड़ा हो गया रो रहा है, लेकिन यू नो आई एम टू क्लोज टू माई डॉटर एंड द बिगेस्ट रीज़न ऑफ टेकिंग द शो इज़ ऑल्सो माई डॉटर एंड माई बेबी. सो या यू नो इट इज़ डिफिकल्ट फॉर मी टू लीव एवरीथिंग. माही इज़ टू एक्साइटेड टू सेंड मी इन साइड द हाउस, आई डोंट नो व्हाई, बट या आई वॉन्ट टू डू दिस एंड yeah, I hope things goes well after this. No, I don't think, you know, Khatro is a total different concept, and compared to Khatro, Big Boss, it's all about, you know, showing your real personality. I don't know, you know, how interesting I am gonna be. TV pe, you know, jab main host karta hoon, main ek alag insaan rehta hoon. I don't know if I'm that funny also in real life. That's my job, what I do on, you know, during anchoring and you know doing masti and everything. But ab mujhe yahan nahi malum ki main kya karne wala hu aur kaise karne wala hu. No, Khatro ka koi aisa reference leke hum ye nahi keh sakte that Big Boss will be easier for people who have done Khatro ke khiladi. मैंने सारे सीजन देखे हैं. आई एम अ बिग फैन ऑफ बिग बॉस. आई हैव फॉलोड ऑल द सीजन्स. नॉट लाइक यू नो कि मैं कभी इसे यूज़ करूँगा और यू नो मैं सीखूँगा कि इसने कैसा बोला उसने कैसा बोला. जनरली लाइक यू नो आई यूज़ टू बी अ फैन ऑफ बिग बॉस, और अब मैं खुद क्या कहते हैं, पहले दूसरों को देखता था, फिर दूसरे मुझे देखने वाले हैं अंदर. अब मेरा क्या साइड बाहर आता है मुझे जेन्युइनली नहीं पता, एंड आई होप अच्छा साइड आए, लोगों को पसंद आए, एंड आई होप आई एंटरटेन यू गाइज, बिकॉज माई 105 days आई एम जस्ट गोना गेट अप एवरी डे एंड आई एम गोना यू नो टेल गॉड दैट यू नो गिव मी स्ट्रेंथ कि आज का एपिसोड में आपके लिए इतना एंटरटेनिंग रख सकूँ कि दैट यू नो आप जो लेट नाइट ये एपिसोड्स देखते हैं तो वो वर्थ इट रहे आपके लिए. वन थिंग आई विल नेवर डू इट वुड बी बींग फिजिकल, बट अगर किसी ने मुझे हाथ भी लगाया, मैंने ये शो के इंटरव्यू में जब यू नो क्रिएटिव की मीटिंग्स भी हो रही थी तभी भी मैंने कहा था किसी ने मुझे धक्का भी मारा मैं उस मिनट कुछ नहीं करूँगा, मैं बिग बॉस का वेट करूँगा. और अगर उसके बाद उन्होंने ये डिसाइड किया कि इसे 2 हफ्ते के लिए नॉमिनेट कर देंगे, पूरे सीज़न के लिए नॉमिनेट कर देंगे, मैं उसी मिनट उठूँगा और उस बंदे का मुंह खोल दूँगा, क्योंकि और बाद में बिग बॉस को बोलूँगा कि बॉस मुझे भी पूरे सीज़न के लिए नॉमिनेट कर दो. बिकॉज इफ पीपल्स यू नो बीइंग फिजिकल ऑन द शो, आई इट्स अ बिग मूव फॉर मी. मैं कभी नहीं करूँगा किसी के लिए, तो मैं ये सेम एक्सपेक्ट करता हूँ कि कोई मेरे साथ ना करे. एंड ये मैं कोई शो को ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये रियलिटी है. सो अगर कोई ये सोच रहा है कि ये जस्ट कहने के लिए कह रहा है या फिर यू नो एक एपिसोड इंटरेस्टिंग करने के लिए कह रहा है, नहीं, मेरा एक ही उसूल है,
मुझे ना टच करना, क्योंकि अगर आपने टच किया मैं आपका मुंह फाड़ दूंगा। सो आई होप द बैड साइड यू नो कोई देखे ना मेरा, बिकॉज मेरा जो बैड साइड है वो बहुत ही बुरा है और मैं नहीं चाहता कि वो मैं कभी किसी को दिखाऊं। आई एम गोइंग देयर, यू विल सी मी इन फाइट्स, यू विल सी मी डूइंग गुड यू नो टास्क, मैं सब कुछ करूंगा। एंड मैं एक ऐसा इंसान हूँ कि दोस्तों का दोस्त हूँ, अगर मुझे कोई पसंद आता है मैं उसके लिए अपने आप को भी नॉमिनेट कर सकता हूँ, मैं वो बंदा हूँ। इफ़ आई लाइक अ पर्सन आई लाइक अ पर्सन, इफ़ आई डोंट लाइक अ पर्सन आई डोंट लाइक अ पर्सन। और पता नहीं इससे पहले लोग कैसे करते हैं, मतलब जानी दुश्मनी रहती है लेकिन नेक्स्ट मिनट ही मैं देखती हूँ उनको खींची खाका करते हुए। बॉस मेरे से तो नहीं होगा, मेरा तो भाई एक बार कोई दुश्मन हो गया तो मेरे लिए फिर वो ज़िंदगी भर गई है। तो बाद में फिर मैं मुझे नहीं लगता कि मैं खींची खाका कर पाऊँगा, लेकिन घर है पता नहीं अभी 24 घंटे साथ में रहने के बाद कैसे लोग मैं कैसे रिएक्ट करूँगा। लेकिन आई होप यू नो एक एक्सटेंड तक यू नो अगर झगड़ा होता तो समझ में आता है, लेकिन अगर समझो उसने कोई लिमिट क्रॉस कर दी है तो फिर बाद में आई डोंट थिंक यू नो आई कैन डू एनी मस्ती और यू नो बी नाइस टू दैट पर्सन। स्ट्रेंथ इज दैट आई हैव अ बिग रीजन टू एंटर द शो एंड रीजन इज माई डॉटर। एवरी डे यू नो मैं उठूंगा और यही सोचूंगा दैट यू नो आई एम डूइंग इट फॉर माई डॉटर। सो वो सोच के मैं ये शो कर रहा हूँ। एंड वीकनेस इज अगेन माई डॉटर, बिकॉज आई डोंट नो हाउ आई एम गोना स्टे विदाउट हर फॉर 105 days। मैंने कहा था माही को दैट यू नो शी कांट एक्सप्रेस राइट नाउ, आई डोंट वॉन्ट टू गो दिस ईयर, बट आई डोंट नो उसे क्या शौक था मुझे बाप इसी साल भेजने का। मैंने कहा था कि वी कैन सी इट नेक्स्ट ईयर, बिकॉज बाई दैट टाइम शी विल बी एबल टू स्पीक प्रॉपरली, शी कैन टेल दैट यू नो आई एम मिसिंग माई फादर। लेकिन अभी नहीं होगा ऐसा। आई विल मिस टेकिंग तारा टू गार्डन, जो मैं रोज़ लेके जाता हूँ। यू नो मैं लोखंड वाला बैक रोड का एक गार्डन है जहाँ पर सारी माएँ आती हैं अपने बच्चों को लेकर, और मैं वहाँ पे एक अकेला बाप होता हूँ जो 5 से 7 दिन अपनी बेटी के साथ गार्डन में गई थी। तो वो मेरी आदत बन चुकी थी और अब मैं वो नहीं कर पाऊँगा। आई होप दैट यू नो उसके बाद भी ये 105 दिन तारा भी यू नो मैनेज कर ले। इतने सालों तक आपने मुझे इतना बड़ा बनाया, इतना मतलब प्यार दिया है, सब कुछ दिया है। आज मैं जो भी हूँ आप ही की वजह से हूँ। मैं जब भी कॉन्फिडेंटली किसी के ऑफिस भी जाता हूँ तो वो कॉन्फिडेंस आप ही लोगों की वजह से मुझे मिला है। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा एंटरटेन करने की कोशिश करूँ। आई होप दैट मैं बोरिंग ज़रा भी ना बनूँ। आई विल ट्राई माई बेस्ट एंड जस्ट गिव ऑल द लव आई नीड दिस टाइम। यू नो ये एक ऐसा शो है जहाँ पर मेरी ज़िंदगी भी बदल सकती है एब्सोल्युटली फ्रॉम टॉप टू बॉटम, एंड आई रियली वॉन्ट टू गेट दिस थिंग डन।